हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में एक बार फिर से हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 1.3। पिछले वीडियो तक हम लोग डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक के लिए। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप क्वेश्चन को रीडिंग कीजिएगा, उसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो कॉमन चीज़ें हैं। दैट मीन्स हमें इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, और इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है 0.6 बार। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ज़्यादातर पेपर में पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो 0.6 बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या आप कह सकते हैं इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर मैं इसको लेट करूं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब क्या हुआ भाई? इसमें बार जब लगता है, अंडरलाइन जब लाइन लगती है किसी नंबर के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रही है, यही ना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.666, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने बार लिखे, अंडरलाइन लिखा इसको मैंने, इसका मतलब यह हुआ कि यह नंबर बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने भी रिपीट करा दिया, ओके। अब आपको करना क्या है, यह जो x इज इक्वल टू आपने 0.666 ये लिखे हैं, इसको सपोज कर लीजिए कि यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया, या x इज इक्वल टू समथिंग जो नंबर है, मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। यहां पर आप देखिए कि इसमें कौन सा, कितने नंबर जो रिपीट कर रहे हैं, डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है जो रिपीट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं डेसिमल के बाद जो पहला नंबर है 6 है, वही बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर जो नंबर 10 का मल्टीप्लाई या 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है इसको सॉल्व करने के लिए, कि जो नंबर रिपीट करता है, अगर एक नंबर रिपीट करेगा तो दोनों साइड में, इस इक्वेशन के दोनों साइड में आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इसमें दो नंबर रिपीट करेगा तो आप दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 नंबर अगर रिपीट करेंगे, जैसे 6 7 8 होता, अगला भी 6 7 8 होता, अगला भी 6 7 8 होता, ऐसे केसेस में मैं यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करता ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 0.666 के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 6 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, बाय 10 ऑन बोथ साइड। मैं यहाँ पर दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स कितना होगा, 10x हो जाएगा, और 0.666 है, इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, कितने भी तक चले उससे क्या मतलब, हमने बस 10 से मल्टीप्लाई कर दी। आपको भी पता है जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 0.666 है उसमें से 6 डेसिमल के पहले आ जाएगा, ये भी तो पता है ना। 5.7 में 10 का मल्टीप्लाई करते तो 57 हो जाता है, मतलब डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर होती है वह डेसिमल के पहले आ जाती है, और यह ऐसा बन जाएगा भाई 6.666 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया आपका 10x इज इक्वल टू 6.6666, मान लीजिए यह नंबर 2 है, ओके। नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग कहाँ से, इनको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग कौन सा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है ना। 1 को इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मैंने यहाँ मान लिया इक्वेशन 2 लिख दिया, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, आप लोग अभी स्टार्टिंग में लैंग्वेज पकड़ नहीं पाएंगे, तो इक्वेशन 2 लिख दिया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं जब दो इक्वेशंस आपस में होते हैं, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 10x है, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x है, तो 10x में से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और इधर राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को, मतलब 6.6666 में से 0.66, और ऐसे ही 6 चलता जाएगा, एक और 6 यहाँ लिख दीजिए क्योंकि डॉट 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 है तो बहुत सारे 6 हो सकते हैं, ठीक है ना। हमने इसमें से 0.666 माइनस कर दिए, आपको पता है कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 6.6666 है, और इसमें से 0.66 ही माइनस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6।
टेन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू नाइन एक्स बचेगा और यहाँ 6। ये देखिए ऐसा है ना कि ये जब आप कहेंगे कि सर इसी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 6.666 हो गया। जब एक 6 बाहर आ गया तो इसमें से कुछ ना कमी होना चाहिए। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 0.666 और इसको माइनस कर दें बराबर आ जाए। कुछ अगर कंफ्यूजन है तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि समुंदर में से एक लोटा या एक आप बॉटल पानी अगर निकाल लें तो समुद्र में पानी कमी नहीं हो जाती है। वही केसेस यहाँ पर होता है कि इनफाइनाइट केसेस में हम ढेर सारे जैसे 1.111 इनफाइनाइट लिखा है, अब उसमें से किसी को माइनस कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू उतनी ही मान लेते, मतलब 6.666 में से 0.666 माइनस करेंगे तो एक्चुअली जो होल नंबर वो को बचेगा, और ये अगर ये सेम है तो ये आपस में जीरो हो जाएंगे। जितना 66 इसके पास होगा उतना ही 666 इसके पास भी होगा, आपस माइनस हो जाएंगे तो बचेगा आपका, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ओनली 6। तो ये 9x इज इक्वल टू 6 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 6/9, या हम इसको कैंसिल कर दें तो 3 2 6, 3 3 9, x इज इक्वल टू 2/3 आ गया। ये आपका रेशनल नंबर आ गया जो कि p/q के फॉर्म में है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कीजिए, मैं दूसरे पार्ट को बताता हूँ, एक बार आप जरा इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को देखते हैं, 0.47 bar, दूसरा क्वेश्चन है 0.47 bar लिखा है। ठीक है ना, 0.47 bar को सबसे पहले तो इसको आप x मान लीजिए, ठीक है ना, x या वाई समथिंग किसी वेरिएबल के इक्वल कर दीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.47 bar। अब अंडरलाइन ओनली 7 के ऊपर है ना, ओनली 7 के ऊपर है, 0.47 bar है तो 7 के ऊपर होने का मतलब हुआ कि इसमें आपका 7 बार बार रिपीट कर रहा है, इस तरह से आपका रिपीट कर रहा हो। ठीक है, अब आप देखिए जरा, x इज इक्वल टू 0.47777 ये नंबर है, इसमें रिपीट कहाँ से शुरू हुआ, रिपीट आपका 7 से शुरू हो रहा है। ठीक है, रिपीट कहाँ शुरू हुआ, 7 से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले जो 4 है उसको तो कम से कम डेसिमल के पहले ला दीजिए। ठीक है ना, इसको डेसिमल के पहले लाइए, पहले तो देखिए जहाँ से रिपीट शुरू होगा जो नंबर रिपीट हो रहा है वही बस डेसिमल के बाद होना चाहिए, उसके पहले अगर कोई नंबर है, उसके पहले अगर कोई नंबर है लेकिन वह नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको डेसिमल के पहले ला दीजिए। जैसे मुझे 0.4 में 0.4777 में ओनली 7 से रिपीटेशन स्टार्ट है, 4 रिपीट में नहीं आ रहा, 4 बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस 4 को पहले लाऊंगा, और इसको पहले लाने के लिए मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस इक्वेशन में मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 10 विथ बोथ साइड है ना, मल्टीप्लाई विथ 10 दोनों साइड, इन दोनों साइड में इस इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, इनटू 10 इनटू 0.477 इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये टोटल आ जाएगा 4.77, इस तरह से हमारे इक्वेशन बन जाएंगे। मतलब हम इसको लिख दें इक्वेशन के फॉर्म में तो 10x इज इक्वल टू 4.777, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है 7 से, तो जो नंबर रिपीट हो रही है वो नंबर आपका डेसिमल के पहले आना चाहिए। जैसे वहाँ पर 0.66 था तो मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो एक नंबर उसमें से डेसिमल के पहले आ जाए। तो यहाँ पर 7 रिपीट करना शुरू कर रहा है, अब मैं फिर से इस 7 को डेसिमल के पहले लाऊंगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में है ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, ठीक है ना, इन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, इन बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100x, विच इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 4.77 है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 और आ जाएगा, और ये देखिए 7 7 है लेकिन डॉट 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 लगाया है ना, तो इसके बाद भी तो बहुत सारे 7 7 होगा, मैंने एक और 7 इसमें जो छिपा हुआ 7 था वो बाहर निकाल दिया, देखिए 3 7 लिखा था यहाँ पर, बाकी मैंने छिपा दिया था, ठीक है ना। जब इस 7 को अंदर बाहर ला दिया, डेसिमल के पहले ला दिया, तो ये 2 ही 7 बचा, तो मैंने जो छिपा हुआ था उसमें से 1 7 और ला दिया अंदर, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने डॉट डॉट लिखा, मैं चाहूँ तो 1 7 और लिख दो,
यहाँ नहीं लिखा हूँ लेकिन यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बाउंडेशन तो है नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पथरी है और बाकी मैंने छिपा दिया था तो उसको एक बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। पहले तो जो नंबर रिपीट नहीं किया उसको पहले ला दिए, उसके बाद जहां से रिपीटेशन अलाउड है, जहां से नंबर रिपीट कर रहा है, उसमें से एक नंबर को मैंने डेसिमल के पहले ला दिया, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद वाला जो नंबर सेम सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, जीरो बन जाएंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन टू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग कौन सा भाई, इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर ई क्यू लिख दिया, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ मिल जाएगा 100x, यहाँ क्या है 10x है। आप लिखेंगे इसको 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7777 में से मैं माइनस, यहाँ डायरेक्टली दिस माइनस दिस करना है तो मैं माइनस कर देता हूँ 4.777, ये डॉट 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 रहने दीजिए, ठीक है ना, इससे आसानी होगा देखने में भी, ठीक है। तो ये 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90x, यहाँ कितना बचेगा भाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो पूरा 000 हो जाएंगे। 47 माइनस 4 इज इक्वल टू 43, सो एक्स इज इक्वल टू 43/90। अगर ये कैंसिल आउट होगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं होगा तो आप इतना पर लिख कर सकते हैं। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हमारे पास नंबर हो गया, जो कि ऑलरेडी क्या था, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स थे, इसलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। रब कर दें, आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम आती तो आप बता सकते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए थर्ड पार्ट क्या दिया है, हम फिर से क्वेश्चन को सपोज कर लेते डायरेक्टली। देखिए दिया है 0.001, अंडरलाइन किया गया है, आप देख सकते हैं 0.001 लिखा है, इसका मतलब ये तीनों नंबर रिपीट कर रहा है। अगर मैं इसको बार को अंडरलाइन को ओपन कर दूं तो ये लिखा जाएगा 0.001 001 001, है ना, ये चलता जाएगा, ये नहीं चलेगा। आप यहां से इसको लेट करना शुरू कीजिए, लेट एक्स इज इक्वल टू आपने ले लिए, इसको लिख दीजिए 0.001 001 001, थ्री नंबर तक लिख देते हैं, मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन वन हो गया, ओके। अब आप देखिए जरा कि इसमें कितने नंबर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं जहां से रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन शुरू हो रहा है, रिपीट नंबर कर रहा है 001 के बाद से अगला फिर 001 आ रहा है, मतलब ये तीन नंबर जो फर्स्ट के हैं ये रिपीट कर। मैंने बताया था अगर डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल के बाद अगर दो नंबर रिपीट करेगा तो 100 से, और डेसिमल के बाद अगर तीन नंबर से रिपीटेशन शुरू होता है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर वन, तो यहां लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किससे करें, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन के दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 1000 into x इज इक्वल टू, जब आप 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो तीनों नंबर है देखिए 001, ये तीनों नंबर डेसिमल के पहले आ जाएगा और बाकी जो है 001 001, और जो एक छिपा हुआ था कि मैंने देखिए यहाँ पर 1231 लिख दिया था, एक छिपा हुआ 001 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, चाहे तो आप दो ही लिखे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, मल्टीप्लाई कर दिए यहां पर, एक तो बाहर आ गया, बाकी ये 001 यहां हो गया, ये 001 यहां हो गया, और ये कहां से आ गया, बोलेंगे सर जो डॉट 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 लिखा था ना उसमें से एक निकाल लिया, और ताकि ये तीन है तो ये भी तीन जैसा दिखे ताकि जीरो करने में आसानी हो। नहीं पूछेंगे सर कि ये तो इससे माइनस हो गया, ये इससे माइनस हो गया, ये किससे माइनस हुआ, तो मैं बोलूंगा कि वो छिपा हुआ वाले से माइनस होगा, इसके लिए आप पहले से इसको निकाल कर रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, किसी नंबर के पहले जैसे मैं बोलूं कि 02 and 2 है, 02 इक्वल टू 2 है, तो ये तो सही है गलत है, आप बोलेंगे सर सही है, सही किस लिए होगा,
सही इसलिए होगा किसी नंबर के पहले अगर जीरो रख दें तो जीरो की वैल्यू नहीं होती, नहीं ना होती है, ये तो आपको बताया गया है। तो जीरो टू और टू दोनों बराबर चीज़ें हैं, लेकिन टू जीरो और टू नहीं है भाई, 20 रुपीज़ और टू में अंतर होता है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है 001, तो 001 का मतलब क्या हुआ, वन ही तो हुआ। किसी नंबर के पहले अगर जीरो लिख दिया जाए बिना डेसिमल लगाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब ये लिखा गया है 1000x, ये जो 00 इसको हटा दीजिए, क्या दिक्कत है, जब उसकी वैल्यू नहीं तो क्या मतलब है। 001 का मतलब वन ही तो होता है, तो मैं वन क्यों नहीं लिखूं डायरेक्ट, 1.001001001 यह हो गया इक्वेशन नंबर टू। क्लियर हुआ ना, हमने बता दिए थ्री नंबर रिपीट करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नाउ सबट्रैक्ट कीजिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन वन को सबट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम टू से, ठीक है ना। तो सबट्रैक्टिंग कर रहे हैं, सबट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन है ठीक है ना, इक्वेशन टू से सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। ई क्यों लिख दिया, शॉर्टकट में EQATION लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो सबट्रैक्ट कीजिए 1000x में से इक्वेशन वन कितना है, x को माइनस कर रहे हैं, ये क्या हमारे पास है 1.001001001... इसमें माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, आसानी रहेगी देखने में, नहीं तो यहाँ माइनस लगा कर लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस ये पूरे नंबर को, क्या है भाई 0.001001001 यहाँ पर आ जाएगा। और ये देखिए आप यहाँ पर जो प्रोसेस ले रहे हैं वो इनफाइनाइट को ले रहे हैं, तो इसमें से अगर मान लीजिए एक को निकाल भी लेते हैं, इसमें से एक को निकाल कर पहले माइनस कर देते हैं तो वैल्यू कोई दिक्कत नहीं आती है। याद रखिएगा, मैं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 1000 माइनस एक्स कितना हो भाई 999x हो गया, और यहाँ कितना बचा, वन बच गया, ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट ये भी, और इनफाइनाइट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इनफाइनाइट में से एक नंबर निकाल दें वो भी इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट में से पांच नंबर इसमें से निकाल कर रख लीजिए तब भी इनफाइनाइट होगा। समुद्र में से पांच बाल्टी पानी निकाल लीजिए, उसका पानी कम नहीं होता, उसको समुद्र ही बोलते हैं, उसको तालाब नदी नहीं बोल देते हैं, यही केसेज यहाँ पर लागू कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/999, देख लीजिए मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/999 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q हो गया। क्लियर है ना, कहीं भी डाउट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो समरी के बारे में बात कर रहा है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने देखें अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है, ओके आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस 0. एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है 0.9999, ओके इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर इन क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। चलिए ठीक है टीचर क्लासमेट हमसे आप बाद में डिस्कस कीजिएगा, पहले तो हम ये कर लें कि 0.999 p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सरप्राइज क्यों कर रहा है, ओके चलिए देखते हैं। एक्सप्रेस करना है 0.9999 डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, इसको हम बोले सिंपल में तो ये भी तो लिख सकते हैं 0.9 बार लिख सकते हैं, बात वही ना हुई, इसको चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, शॉर्टकट में ये लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे क्या, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 3 में शुरू किए थे, ऐसे में इसको लिखिए 0.999 लिखा गया, चलिए मैं भी लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ओके। नाउ ध्यान से देखें तो डेसिमल के बाद, डेसिमल के जस्ट बाद इसमें ओनली वन नंबर रिपीट कर रही है, डेसिमल के जस्ट बाद इसमें ओनली वन नंबर रिपीट कर रही है, इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट करता है उतने नंबर काउंट कर लीजिए, उतना ही 10 के पावर लेकर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जस्ट वन नंबर मल्टीप्लाई चेंज हो रहा है, वन नंबर आपका बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई 10,
ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि एक ही में हम कर देंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई आप कीजिए तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर जो रिपीट हो रहा है वो डेसिमल के पहले आ जाएगा, बाकी बच जाएगा 999। अब देखिए मैंने क्या किया, 999 लिख दिया, बचेगा ऐसे ना, ये 9 बाहर आ गया, ये 3 बचेगा, लेकिन मैं 3 ही क्यों लिखूँ, यहाँ पर 4 है, तो मैं इसमें से एक और निकाल लेता हूँ, वो भी 9 ही रख देता हूँ, मैं इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। नहीं तो आपको 3 लिखना, 3 रख दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से। चलिए जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम का मतलब समझ रहे हैं ना, फ्रॉम का मतलब होता है सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है 10x है इधर आपके, और इधर क्या है 10x में, लेफ्ट हैंड साइड में 10x है, तो इसका 10x x से माइनस हो जाएगा, और इसका ये जो पार्ट है वो माइनस होगा, 9.999 है, चलिए ठीक है, और इधर कितना है, इधर है 0 पॉइंट, इधर है कितना 0.999, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस ही तो करना है, इधर को भी मैं लिखा दीजिए, ऐसे लिखा दीजिए अच्छा रहेगा, मैं ये नंबर यहाँ माइनस लगा कर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं, 99 एक और 9 है, एक और 9 लिख देते हैं, कन्फ्यूज नहीं होने की जरूरत है। 10x माइनस x कितना बचेगा भाई, 9x बचेगा। इधर देखिए जरा, 999 है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी तो 9 होगा, ऐसा नहीं कि ये 993 है और ये 994 है, सर यहाँ तो 10 बचेगा, 10 माइनस 9, ये कैसे होगा, नहीं भाई इसमें जो डॉट डॉट लगा इसका मतलब यहाँ पर भी एक 9 है, जब भी माइनस करेंगे 9 ही मानो करेंगे, तो 990 इधर भी क्या होगा, इधर 9 होगा तो इधर भी 9 होगा, ये कहेगा मेरे पास आखिरी में 9 है तो इसके पास भी आखिरी में 9 होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक चल रहा है, इसलिए ये 9999 सबको मान लीजिए, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, बचा कितना फिर 9 ही तो बचा, यहाँ पर डिफरेंस कर लेंगे, ये सारे 0000 चल रहा है तो 9 ही तो बचा, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आपको मिल गया 1, x इज इक्वल टू आपको मिल गया 1। सरप्राइज करने की बात यही थी कि 0.9999, सरप्राइज करने की बात यही थी कि 0.9999 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो गया। क्या यह कहा जा सकता है कि 99999 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है? हाँ, क्योंकि इनफाइनाइट के बारे में आप फिक्स नहीं कर सकते क्या है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर दिया जाए तो ये इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 1 माना जा सकता है। तो 0.9 यही सरप्राइजेशन था कि 0.999 अप टू इनफाइनाइट होगा तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि अब अगर ये फिक्स कर दे कि 0.9999 ओनली इतना ही नंबर है या 1 के इक्वल है तो कहेंगे नहीं ये इक्वल नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट केसेस में इनफाइनाइट के बारे में पता नहीं, तो हो सकता है इनफाइनाइट तक जाते जाते ये लगभग में 1 के बराबर हो जाए, इसलिए मैंने इसको 1 के बराबर ये प्रूफ हो गया है, ये सरप्राइज था भैया आपके लिए। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपने इसको 1 प्रूव कर दी, ये सरप्राइज था, और इसमें क्या डिस्कशन करना हमसे आप डिस्कस कीजिएगा चैटिंग में, ठीक है ना। चलिए जी, रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं लेकर, अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैट करिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में। देखिए जी 5th में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, 1/17, ठीक है ना। सो परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, कि पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना हो सकता है अगर वो रिपीटिंग डिजिट हो। देखिए 1/17 है तो ये जाहिर सी बात है जो बनेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग तो जरूर बोल रहा है क्योंकि रिपीटिंग बोल रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलेगा क्योंकि 1/17 है तो ये रेशनल नंबर होगा और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते चलिएगा, करते चलिएगा, करते चलिएगा, देखिएगा कितने नंबर बाद डिवीजन करते करते ये रिवाइज होता जा रहा है। जैसे मतलब ये हमने 1 को 3 से डिवाइड कर लिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9, ठीक है ना, तो ये एक ही बार में रिपीट करना शुरू कर दे रहा है, ये एक बार में ही रिपीट करना शुरू कर दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन आपको करना होगा कि ये लॉन्ग प्रोसेस है, 0 0, ठीक है ना, इस तरह से आपके डिवीजन शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिए कितना, 3 टाइम्स ले लें, नहीं और देखिए 3 4 5
सेवन सेवन कर ले, सेवन सेवन जा 49, नहीं सेवन इज सिक्स टाइम है ना, सिक्स सेवन जा 42 एंड सिक्स वन जा 6 प्लस 14 फाइव टाइम चलेगा, तो फाइव सेवन जा 35 एंड फाइव वन जा 5 3 8 10 5 5 15 बच जाएंगे, फिर डेसिमल लीजिएगा और फिर से आप जो है 79 जा चलते हैं ना 79 9 सेवन जा 63 9 वन जा 9 नहीं 8 टाइम चलेगा, ठीक है 8 सेवन जा 56 8 वन जा 8 प्लस 313 है ना, यहीं बचेगा 10 6 4 4 3 1 ये प्रोसेस चलता जाएगा। और आपको डिवीज़न तब तक करना है जब तक कि वह ये नंबर डिवीज़न करते चलिएगा, बाद में देखेंगे फिर से 058 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से 05 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कितने डिजिट होंगे मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, डिवीज़न यहाँ पर नहीं करेंगे, बहुत बड़ा डिवीज़न आप आराम से कीजिएगा 0.58, इसके बाद कुछ और आ सकता है, उसके बाद कुछ और आएगा, डिवाइड करते चलिएगा, लास्ट में देखेंगे जब आपका डिवीज़न एक लिमिट चलने के बाद ये फिर से नंबर वापस आ जाएगी। तो आपसे पूछा गया कितने नंबर के बाद ये रिपीट करे, तो आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 8 9 के बाद ये नंबर फिर रिपीट होना शुरू कर दे रहे, ऐसा मैक्सिमम नंबर आपसे पूछा गया। सो डिवीज़न आप कीजिएगा, डिवीज़न आप लोग पढ़े भी हैं, अभी तो पढ़कर आ भी रहे हैं, तो ये प्रोसीक्यूशन आप कंप्लीट करना, मैं प्रोसेस आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना, इसका आंसर आप आंसर से चेक भी कर सकते हैं। मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 लेकर, डिवीज़न आप ट्राई कर लीजिएगा। ओके, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू, आप बहुत सारे एग्जाम्पल को देख भी रहे होंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ये एक ऐसा, बहुत सारे आप रेशनल नंबर्स को देखे होंगे जिसमें पी और क्यू के फॉर्म में लिखा गया होगा, लेकिन जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो वह टर्मिनेटिंग मिलता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब वो टोटली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। तो आप जब ऐसा केस देखते हैं तो उसमें आप माइंड में क्या घूमता है कि डिनोमिनेटर में क्या होने पर ये बार बार जो है टर्मिनेटिंग बन जा रहा है, फिक्स्ड डेसिमल बन जा रहा है। डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा, किस तरह के नंबर हम रख रहे हैं जिसमें हम किसी भी नंबर से उस नंबर को, उन टाइप्स के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वह टर्मिनेटिंग बन जा रहा है, मतलब फिक्स्ड डेसिमल वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है ना, बोला आपसे। तो देखिए जरा देखते हैं कौन कौन से नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर चलिए 3/2 ले लिए, ठीक है 3/2 को डिवाइड करते हैं कितना आए भाई 1.5 आ गया। ओके चलिए 7/4 लेते हैं, ओके डिवाइड करते हैं 7/4 को, 4 7 को डिवाइड करें कितना आएगा 4 1 जा 4, और यहाँ पर देखिएगा 7 - 4 3, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20 बच जाएगा, ये ना होगा 1.75 आएगा, 1.75 याद रखिएगा। इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जैसे 7 और 4 का कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, 7 और 4 के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो ऐसे नंबर को आपको सोच कर चलना है, ठीक है ना। अब आप मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर, और वो नंबर आपके देखिए लिखा यहाँ पर विथ नो कॉमन फैक्टर एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देता हो, तो मैंने एक चीज़ें बता दिया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल लेने का मतलब है कि आपका जो बेस होना चाहिए वो इवन नंबर हो, अगर बेस ऑड नंबर हो जाता है, बेस क्या हो ऑड नंबर हो जाएंगे या डिनोमिनेटर इसके ऑड नंबर होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग देता है, वो डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर ऑड नंबर हो या इवन हो लेकिन बेस हमारा इवन नंबर होता है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है, ठीक है। तो चलिए हम अगर ये ऑड लेंगे और ये इवन लेंगे तभी इनके बीच में कॉमन फैक्टर एक आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 6 ले लिया यहाँ 2 ले लिया तो 6 और 2 के बीच में कॉमन फैक्टर तो 2 आ गया ना, 2 आ गया कि नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि भाई देखो 6 2 से डिवाइड हो गया, जाहिर सी बात है 6 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 भी 2 से डिवाइड होगा, कॉमन फैक्टर 2 हो गया। तो इसका मतलब जब भी लेंगे ऊपर ऑड लेंगे नीचे इवन नंबर ले लीजिए, और कुछ केसेस में अपवाद भी हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने ये ले लिया, कुछ नंबर और लेना चाहेंगे आप, क्या लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने ले लिए 11/8 लेते हैं, ठीक है चलिए 11/8 को डिवाइड कर देखते हैं कितना आता है भाई, 11/8 को भी देख लीजिए, 8 1 जा 8 कितना बच गया 3 डेसिमल 0, 8 7 जा है ना कितना होगा 8 3 जा 24, ओके 6 बच गया 8 7 जा 56, ठीक है 4 बच गया 8 5 जा 40 आ गया, मतलब ये डिवाइड कर लेंगे, देखिए एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है जब हमने इसके नंबर को इवन ले लिया, जरूरी नहीं 2 4 6 8 के अलावा और कोई नंबर लेकर देख लीजिए, जैसे देखिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 13/5 ले लेता हूँ, ये भी डिवाइड कर देगा 5 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30, ओके
कोई और ले लीजिए 17 अपान, अब मान लीजिए 2, 4, 6 लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, देखिए 6 से डिवाइड होता है कि नहीं, 2, 4, 6, 17, ये 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6, 2 जा 12, क्योंकि इसके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं बच रहा तो 6, 2 जा 12 हो गया, 5 बज गया, और यहाँ हो जाएगा 6, 4 जा, है ना, 5 बज गया, डेसिमल लीजिए 6, 4 जा 48, ये आपका आ गया 2, 6, 3 जा 18, ओके, यहाँ आ गया 2, फिर 6, 3 जा 18, देखिए यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जा रहा है, और केसेस क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग का होना चाहिए, तो टर्मिनेटिंग 6 बेस होने पर नहीं मिलेगा, 6 बेस होने पर टर्मिनेटिंग नहीं मिलेगा, तो हम 2 बेस का चेक कर लिए, 6 का चेक कर लिए, कोई और इवन लेना चाहे, 8 का हमने ले लिए थे, तो 2, 4, 6, 8 हो गया, और 5 अगर बेस होगा तो वहाँ पर टर्मिनेटिंग मिलेगा, ऊपर ऑड होना चाहिए, ऊपर अगर इवन हो गया बेस, देखिए ऊपर मान लीजिए यहाँ पर इस केस में तो आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ इस केस में आपका टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर इस केसेस में इवन लेते हैं, देखिए इस केसेस में अगर इवन लेते हैं तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर, जैसे मान लीजिए इवन हमने ले लिए 14 ले लिए, नीचे 8 ले लिए, तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा बन जा रहा, मतलब 2 भी इनको डिवाइड कर देगा, इसलिए यह नंबर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमारे पास केसेस है, क्या जो फ्रैक्शन ले रहे हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ले रहे हैं, उनके बीच में कॉमन फैक्टर एक ही हो, मतलब कोई नंबर ऐसा ना हो जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो ऐसा भी सोचना है, साथ ही साथ टर्मिनेटिंग भी सोचना है, टर्मिनेटिंग का मतलब यह हुआ कि ये टोटली डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, तो डिवाइड हो जाने वाले फ्रैक्शन को आपको सोचना है, तो आपको बताना है कि वहाँ क्यों क्या हो सकता है, क्यों के बारे में क्या बता सकते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये दोनों केसेस देखना है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, तो ऐसे केसेस में जो बेस होना चाहिए वह या तो 2 हो या 2 का मल्टीपल, मतलब 2 के पावर मान सकते हैं, 2 का मल्टीपल या तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, सॉरी 2, 4, 8 होगा, और या तो बेस आपका क्या होगा 5 होगा, 2, 4, 8 या बेस 5 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि 2 के पावर में, मतलब 2, 2 जा 4, 2 के पावर 3, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इन सच केसेस डिनोमिनेटर या बेस, है ना, क्यों लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पर आपसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कर रहे हैं, तो व्हाट कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्यू इन सच केसेस क्यू ऑलवेज बी 2 to the power n form r and 5 लिख देते हैं, n 5, देखिए 2 to the power n form का मतलब हो गया कि वेयर n इज इक्वल टू, अगर आप लिखते हैं 2 to the power n form, मीन्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, मीन्स क्या हो गया, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, ये सभी केसेस में अगर ऐसा बेस होगा तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देगा आपको, ठीक है ना, तो एक बार आप इसको जरा नोट कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।